हेलो, स्वागत है आप सबका वीडियोस वर्ल्ड चैनल में। और ये है ई टैब 2015 ट्यूटोरियल सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक सिंपल सपोर्टेड बीम कैसे बनाएं, उस पर लोड कैसे लगाएं और उसके रिजल्ट को कैसे चेक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने एक सिंपल सपोर्ट बीम है, जिसकी एक जॉइंट है आपका रोलर सपोर्ट और एक जॉइंट है आपका पिन सपोर्ट, और सेंटर में 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बीम की लेंथ है आपकी 10 मीटर। ओके, इस 10 किलो न्यूटन की वजह से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है, जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रही है 25 किलो न्यूटन मीटर, और रिएक्शन डेवलप हो रही है हर सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे 5 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन, और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है आपका ये, और शेयर नीचे है आपका शेयर फोर्स डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को ई टैप से सॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ई टैब है मेरा। सबसे पहले मैंने न्यू फाइल, तो सबसे पहले यूनिट पूछता है, तो हमारी जो यूनिट मैट्रिक है SI है, तो हमने मैट्रिक सेलेक्ट करी, ओके किया। उसके बाद ये आ जाता है। देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, हमारे जो बीम है सिंगल एक लाइन है, तो इस बीम के लिए हमारी सिंगल एक ग्रिड बनेगी, एक ग्रिड लाइन बनेगी 10 मीटर की, उसके ऊपर हम ये बीम ड्रॉ करेंगे, है ना। बट हमारे ई टैब में हम सिंगल ग्रिड बना ही नहीं सकते, हमें एक्स डायरेक्शन में भी ग्रिड चाहिए और वाई में भी ग्रिड बनेगी। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ग्रिड आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्लोर कितने भी हों उससे हमें मतलब नहीं। हमें चाहिए एक लाइन जो 10 मीटर की हो, ग्रिड लाइन, जिससे हम उसके ऊपर एक 10 मीटर का बीम ड्रॉ कर सकें। तो केवल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेसिंग 10 मीटर कर देता हूँ एक्स डायरेक्शन में, और मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एक्स डायरेक्शन में अगर हम 10 मीटर स्पेसिंग कर दें, तो हमारा स्पेन जो होगा 10 10 मीटर का होगा, तो कोई भी एक स्पेन लेंगे हम उसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ओके, मुझे फ्लोर से भी कोई मतलब नहीं है, मैंने ओके किया। ये देखिए, देखिए इस 3D में ये जो आपकी ये जो ग्रिड लाइन है 10 मीटर की है, मैं इसके ऊपर ये एक बीम 10 मीटर का ड्रॉ कर सकता हूँ और अपना रिजल्ट चेक कर सकता हूँ। देखिए ये प्लान है, यहाँ दिखा रहा है 10 मीटर 10 मीटर, हमें तो एक ही स्पेन चाहिए। ओके, अब देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा यूनिट देन ग्रिड, उसके बाद हमारा स्टेप होता है हमें मटेरियल डिसाइड करना होता है। लेकिन आप इस प्रॉब्लम में आप देखोगे कि जो 10 किलो न्यूटन की वजह से जो मोमेंट और शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है, वो डिपेंड नहीं करता है मटेरियल के क्रॉस सेक्शन और मटेरियल के ऊपर, बीम के क्रॉस सेक्शन और मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम कुछ भी मटेरियल दे दें और कुछ भी उसको प्रो क्रॉस सेक्शन दे दें, तो उससे रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमने सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं किया है। जैसे सेल्फ वेट किससे आता है, आपका क्रॉस सेक्शन और मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है, स्टील है कंक्रीट है, उसी से आपका सेल्फ वेट जनरेट होगा और सेल्फ वेट की वजह से रिजल्ट चेंज आएंगे। बट ये जो प्रॉब्लम है विदाउट सेल्फ वेट है, जो भी रिजल्ट आप देख रहे हो 10 किलोन्यूटन की वजह से है। तो कोई भी हमने एक बीम लिया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मैंने सिंगल एक क्लिक किया, एक 10 मीटर का बीम बन चुका है, और मैंने यहाँ पे सिंगल स्टोर रखा क्योंकि मुझे एक ही बीम चाहिए। तो 10 मीटर का मेरा बीम बन चुका है ये। अब मुझे रोलर सपोर्ट लगानी है, एक लगानी है पिन सपोर्ट। तो मैंने क्या किया, ड्रैग करके जॉइंट सेलेक्ट किया और असाइन, लास्ट वीडियोज में बता चुका हूँ सपोर्ट का, जॉइंट रिस्ट्रेन और ये है पिन पे क्लिक किया और ओके कर दिया। उसी तरह मैंने दूसरा जॉइंट सेलेक्ट किया, असाइन जॉइंट रिस्ट्रेन रोलर पे क्लिक किया और ओके कर दिया, दोनों सपोर्ट लग चुके हैं। जूम आउट जूम इन करके देखोगे तो देखिए ये पिन है और ये रोलर है। ये रोलर आप यहाँ पे लगा दीजिए, पिन यहाँ पे लगा दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएंगे। ओके, हमारा मटेरियल हमने ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल था वो ले लिया है। देखिए जब मैंने यहाँ पे बीम के लिए बीम पर क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ए लेट बीम कोई प्रॉपर्टी पहले से डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो इसने ले ली है, मटेरियल की क्रॉस सेक्शन इसने ले लिया है, क्योंकि हमारे रिजल्ट उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहे। सेल्फ वेट हमें 0 रखना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लोड लगाना।
10 किलोमीटर का पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर में। तो लोड लगाने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे बीम को जिस पे लोड लगाना है, उसके बाद जाएंगे असाइन। अभी लोड किस टाइप पे है, किस पे लोड लगा रहे हैं हम, जॉइंट पर या फ्रेम पर, हम फ्रेम पर लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे फ्रेम लोड। किस टाइप का लगा रहे हैं, पॉइंट लोड। ओके, इसको हम एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे टाइप है लोड केस, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, जिस तरह के पैटर्न आप बनाएंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोड लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कि मूवमेंट, ये पूछ रहा है मैं फोर्स लगाना है तो फोर्स पर क्लिक है। यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हो। हमारी जो डायरेक्शन है वो जेड है और ग्रेविटी सेम होती है, डायरेक्शन जेड और ग्रेविटी सेम होती है, तो ग्रेविटी ले ली। यहाँ पे क्या, ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड, मान लीजिए मैंने 5 किलोमीटर का लोड पहले से लगा हुआ है और मैं 5 उसमें ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और मैं चाहता हूँ उस 5 की जगह रिप्लेस होकर कोई और लोड लग जाए तो यहाँ पे, या मैं चाहता हूँ जो लोड लगा हुआ है वो डिलीट हो जाता है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी लोड, कुछ लोड है या नहीं है, रिप्लेस करना है वहाँ पे 10 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए। अब ये दे रहा है लोड किस डिस्टेंस पे लगाना है और कितना लोड लगाना है। ये डिस्टेंस जो अभी है प्रोपोर्शन है, मान लीजिए आपका 10 मीटर का बीम है तो 0.25 प्रोपोर्शन कितना हो गया, 2.5 मीटर। 20 मीटर का है तो कितना हो गया आपका, ये 5 मीटर हो गया। इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे 10 मीटर का बीम है और हमें सेंटर में लगाना है 5 मीटर पे, तो प्रोपोर्शन कितना हो गया वो, 0.5। या फिर आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इससे सीधा डायरेक्ट आपको पूछेगा कितने डिस्टेंस पे लगा रहा है। मैंने यहाँ पे डाला 5 और यहाँ पे डाला मैंने 10 किलोमीटर, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमारा 10 किलोमीटर का लोड लगा है या नहीं कुछ दिखा नहीं रहा है, चेक करते हैं। चेक करने के लिए आप देखिए यहाँ पे एक आइकन है डिस्प्ले फ्रेम लोड, इस पर क्लिक किया मैंने और ओके किया तो यहाँ पे अब शो कर रहा है। कभी कभी हाइट हो जाता है, तो 10 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है। ग्रिड को कंट्रोल डी से आप हाइट कर सकते हो तो आपको सिंपल एक बीम दिखाई देगा। अब हमें एनालाइज करना है, सिंपल है, यहाँ पे एनालाइज का बटन है, इस पर क्लिक किया और एनालाइज कर दिया। सेव के लिए पूछ रहा है, सेव कर दिया। थोड़ा टाइम लेगा एनालाइज में, ये हो गया। एनालाइज करने के बाद जो आपके डायग्राम आता है, शेप जो आती है स्ट्रक्चर की, वो डिफॉर्म शेप होती है कि कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर अब हम देखते हैं इसमें कितना बेंडिंग में, देखिए यहाँ पे कुछ एक फ्रेम बना हुआ है, इसमें डायग्राम बना हुआ बेंडिंग में, तो ये आपका बेंडिंग में शेप को चेक करने के लिए काम आता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, मूवमेंट 3-3 डेड लोड की वजह से ओके किया। मूवमेंट 3-3 का मतलब है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब दोबारा क्लिक करते हैं, वैल्यू तो आ नहीं रही बेंडिंग में, डायग्राम पर ठीक बनाए तो शो वैल्यू यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लिक किया। M33 का मतलब है मोमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो हमें मोमेंट इन वाई डायरेक्शन चाहिए थी, तो हमारी मोमेंट डायग्राम बिल्कुल सही बना है। और डेड लोड की वजह से, जो हमने 10 किलोमीटर का लोड लगाया है उसकी वजह से इतना मोमेंट आ रहा है, और यहाँ पे वैल्यू शो करने के लिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। बट अकॉर्डिंग टू आर प्रॉब्लम कितना आ रहा है हमारे बेंडिंग में, 25 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 37। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे में जो बेंडिंग में डायग्राम वैल्यू आ रही है, और क्योंकि ड्यू टू डेड लोड ओनली, और जो हमारे प्रॉब्लम में आ रही है डेड लोड प्लस सेल्फ वेट। अब सेल्फ वेट कैसे इसका जीरो करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस लॉक को अनलॉक करेंगे, बीम को सिलेक्ट करेंगे, असाइन फ्रेम एंड सेक्शन प्रॉपर्टी, सॉरी सेलेक्ट बीम, असाइन फ्रेम प्रॉपर्टी मॉडिफायर, हम प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर रहे हैं जो बीम है हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ वेट जीरो और वेट को जीरो कर लिया और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पीएम लिखा हुआ है प्रॉपर्टी मॉडिफायर, अब इसकी सेल्फ वेट जीरो हो गया। अब दोबारा एनालाइज करते हैं और बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं। यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं, ओके देखिए 25। शेयर फोर्स भी चेक कर लेते हैं, शेयर फोर्स इंटू टू 5-5। यहाँ पर देखिए इंक्लाइन लाइन दिखा रहा है, ये ई टैब उस टैब दोनों में प्रॉब्लम है कि अगर हम डायरेक्टली ग्राफिक देखें शेयर फोर्स के, तो उसमें थोड़ी सी ये इंक्लाइन लाइन दिखाता है, जबकि इंक्लाइन नहीं है, पूरी स्ट्रेट लाइन है देखिए इस तरह से। तो रिजल्ट हमारे सही है, डायग्राम कुछ सही नहीं आ रहा। तो अगर आप इस बीम पर राइट क्लिक करेंगे,
तो आपको यहाँ पे दोबारा एक अंदर भी डायग्राम चेक कर सकते हो। देखिए ये आपका है बीम जिस पे 10 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है और 5-5 किलोमीटर की आपकी रिएक्शन डेवलप हो रही है। ये आपका शेयर फोर्स है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है और ये डिफ्लेक्शन है। 1.4 mm डिफ्लेक्शन हो रहा है आपका सेंटर में। तो सारे रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से हम किसी भी बीम को एनालाइज करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया सिंपल सपोर्टेड, फिर डिफरेंट टाइप की बीम्स, फ्रेम्स, फिर बिल्डिंग, फिर अर्थक्वेक लोड, सिस्मिक लोड, टाइम हिस्ट्री लोड, फिर एक रियल पूरा प्रोजेक्ट करेंगे हम। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे मॉडलिंग टूल्स भी हैं इसमें जो टाइम टाइम पे हमारे आते जाएंगे। डायरेक्ट ऐसे बताऊंगा तो मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे हम मोल्डिंग करेंगे तो हमें याद आते रहेंगे कैसे बीम को डिवाइड करें, कैसे इंटरसेक्शन करें, कैसे कट करें, कैसे सेक्शन को चेक करें। स्ट्रक्चर डिटेलिंग भी, देखिए डिटेलिंग भी दी हुई है इसमें, हम इसमें डिटेलिंग भी सीखेंगे। और इसमें केज भी आता है, 3D केज, यानी कि डिज़ाइन करने के बाद जो आपका केज होगा इन्फोर्समेंट, वो भी इसमें शो होता है। तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसके जीरो से लेकर एंड तक ई टाइप की हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। डेली हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, मैं कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो अपलोड करने की। कभी कभी नहीं हो पाती, टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आपको किसी स्पेशली किसी मतलब किसी एक टॉपिक की ज़रूरत है, अर्जेंट जानना है उस बारे इसके बारे में, उसकी वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, तो कमेंट करें, मेरे को मेल करें और मैं जितना हो सके जल्दी उसके बारे में आपके वो वीडियो अपलोड करूँगा। प्लीज़, थैंक यू।